करप्शन आती है उसनू असी सिद्धांत तो तोड़ के निज वास्ते या पावर वास्ते वरतते हैं तो उसका जो असला है वो खत्म हो जाया करता है। इस करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की यह मसले हल नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने जे सिद्धांतक तौर पर देखा जाए कानून जो है कानून मुताबक उन्होंने ड्यूटी सिर्फ गुरुद्वारों की सेवा संभाल करना है ना कि सिखा के धार्मिक सियासी समाजिक आर्थिक मसलों का हल करना। दुनिया के अन्य देशों में सिख बैठे ने हर देश में अलग अलग मसले ने तो फ्रांस की गल है उत्थे दस्तार की पाबंदी है परसों तक अमरीका परसों चौथ तक फौज में दस्तार के केस का मसला सी आज तुहाडे कोल परसों चौथी आ रहा है कैलीफोर्निया तुहाडे कोल कृपान का बिल आउण रहा है उसके वास्ते कोई तुहाडी मदद करने वास्ते तैयार नहीं क्योंकि सिखां दी आपस में कोहीजन नहीं है एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं है एक साढ़े को प्लेटफॉर्म नहीं है जितों असं अपनी आवाज उठा सकी। सो उस एक डेमोक्रेटिक तरीके हर इलाके हर कौम हर बरादरी विचों जो नुमाइंदगी आएगी तो सही सिख पार्लीमेंट बन सकेगी। डॉक्टर गुरदर्शन सिंह ढिल्लों कोलों तुसीं बहुत सवाल पूछे उन्होंने एक आलुकता भी उन्होंने कहा जब तक असी एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैबलिश नहीं कर सकते उदों तक असी जदोजहद नहीं कर सकेंगे कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे। मैं उस गल उपर लिया कि यह गल तो ही हो सकेगी जे असी सही नुमाइंदा बॉडी रियल रिप्रजेंटेटिव बॉडी कायम करांगे तो वह तो हो सकेगी भी हर देश के नुमाइंदे हो हर सैक्शन के नुमाइंदे हो स्पैशली इंटलैक्चुअल हो ही गल बन सकेगी। तो वक्त बहुत ले लिया है इस करके इतने ही समाप्त करूँगा तो थोड़े चो कोई सवाल करो तो हाजिर रहूँगा। शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।